समता नगर रोड पर अरमोर टाउन में एक फ्लैट की तीसरी मंजिल पर चल रहे देह व्यापार अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा है। अड्डे से एक महिला को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। अड्डे की संचालिका व महिला दलाल अनीता राजू डोंगरे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनवने के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी महिला फिजियोथेरेपी सेंटर की आड़ में देह व्यापार का अड्डा चला रही थी। आरोपी अनीता डोंगरी पर जरीपटका थाने में पिटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जरीपटका थाने के हवालदार हरिचंद्र भट्ट और गजेंद्र सिंह ठाकुर को गुप्त सूचना मिली कि अरमोर टाउन में फ्लैट नंबर 124 ई बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम पर देह व्यापार का अड्डा चलाया जा रहा है। यह अड्डा अनीता डोंगरे चला रही है। जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत समता नगर में हमने पिटा की कार्रवाई की हुई है। एक महिला आरोपी हमने ताबे में ली है। गुना दाखिल करने की प्रोसीजर चालू है। पिटा एक्ट कलम 3, 4, 5 और 7 के तहत पिटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। ये जो पीड़ित एक महिला की हमने चेक करा की है, ये 2000 रुपये हर एक कस्टमर से लेती थी और उसका आधा हिस्सा जो है वो दलाल महिला को जाता था। मंगलवार को इस देह व्यापार अड्डे पर पुलिस ने एक पंटर भेजा। पंटर ने अनीता डोंगरे से बातचीत की। उसने 2000 रुपये की मांग की। बातचीत तय होने पर पंटर को 37 वर्षीय महिला के साथ कमरे में भेज दिया गया। मौका पाकर पंटर ने पुलिस को सूचित कर दिया। जाल बिछाकर बैठे पुलिस दल ने फ्लैट में छापा मारा। पुलिस ने आरोपी अनीता डोंगरे अरमोर टाउन फ्लैट नंबर 41 समता नगर रोड निवासी को गिरफ्तार किया। कमरे से महिला को हिरासत में लिया गया। एपीआई समाधान बजबलकर, नायब सिपाही आनंद मरस को ले, महिला सिपाही सारिका, अविनाश ग्वालवंशी, प्रवीण मोरे आदि ने कार्रवाई की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।